नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी का शेफ। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कलयुगी बाप, एक बाप ने अपनी नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म। 15 वर्षीय बेटी ने लगाया पिता पर दुराचार का आरोप। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने पास्को एक्ट जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के कोतवाली लोनार इलाके स्थित एक गांव में नाबालिग बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उच्च अधिकारी से की। इसको लेकर अधिकारियों ने तुरंत आदेश दिए और कलयुगी बाप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक हरदोई अनुरागवस्त ने बताया कि पीड़िता ने अपने पिता पर आरोप लगाया था कि इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर हमने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। सर, एक लड़की ने अपने पिता पर आरोप लगाया, कहाँ का मामला और क्या पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें कि एक लड़की ने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया है, और ये थाना लोनार का मामला है। इसमें तत्काल पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए लड़की की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया है और जो लड़की है उसका मेडिकल और 164 करवाया जा रहा है, और जो आरोपी पिता है उसका रिमांड पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और जहां उसका रिमांड लेके उसको जेल भेज दिया गया।